बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जो कि दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिडल ईस्ट के डिप्टी सेक्रेटरी अकील आरइन ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरांवाला के नायब सदर के एजाज़ में दिए गए इशाइये में कही। मज़ीद जानते हैं अमीर मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गरीब आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि ये वाहिद सियासी जमात है जो दियारे गैर में रहने वालों के मसाइल हल करने को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई इस बात का सबूत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दूसरी सियासी जमातों की तरह कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। इस बात का इजहार ख्याल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिडल ईस्ट के डिप्टी सेक्रेटरी अकील आरइन ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरांवाला के नायब सदर मुबशर अफजल चीमा के एजाज़ में दिए गए इशाइये में कही। तकरीब के मेहमान खसूसी मुबशर अफजल चीमा ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि मैं अपनी ज़ात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक अदना कारकुन समझता हूँ और हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए ताकि अपनी ज़ातियात से बालातर होकर हम अपने मुल्क पाकिस्तान का सोचें, इसे परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सऊदी अरब चैप्टर के तमाम पैनल ने शिरकत की, जिसमें नज़रियाती पैनल, वर्कर इत्तेहाद पैनल, इंसाफ पैनल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सऊदी अरब चैप्टर की नेशनल बॉडी, मक्का मुकर्रमा सिटी बॉडी और जद्दा सिटी बॉडी ने शिरकत की। तकरीब का अहतमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए दुआया कलमात पर हुआ। तकरीब से अंजम वड़ाइज मक्का रीजन के सदर और दिगर ने खताब किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा नीचे दिए गए लिंक ट्री पर क्लिक करें और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।